नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दो दिन पहले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के चीफ ने कहा कि पिछले कुछ वक्त में चीन काफी आक्रामक हो गया है, उससे दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। नाटो नेताओं ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को लगातार कम कर रहा है। वो काफी तेजी से परमाणु मिसाइल विकसित कर रहा है जो बेहद खतरनाक है, इसलिए चीन को रोका नहीं गया तो दुनिया को बर्बाद कर देगा। खबरों की माने तो तकनीकी ताकत बढ़ाकर एक बार फिर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और हाइपरसोनिक सुरंग बनाकर सबको चौंका दिया है। चीन का दावा है कि इससे वो पश्चिमी देशों से लगभग 30 साल आगे निकल जाएगा। JF-22 विंड टनल के नाम से सामने आया ये टनल कथित तौर पर जेट को ध्वनि से 30 गुना तेजी से संचालित कर सकेगा। चीनी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के हवाले से एक खबर दी है जो यूरेशियन टाइम्स में रिपोर्ट हुई। अकेडमी के मुख्य शोधकर्ता हान गुइलेई ने इस बारे में कहा है कि हाइपरसोनिक टनल बीजिंग के हुआरो जिले में तैयार हुई है। साथ ही इस तकनीक से चीन वेस्ट से 20 से 30 साल आगे निकलने वाला है। टनल में विमान प्रति सेकंड 30 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकता है। इस लिहाज से विमान हर घंटे लगभग 37,013 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन दुनिया के एक से दूसरे कोने तक अपने सुपरसोनिक विमानों को भेज सकता है। जानकारी देते चलें कि अब तक कोई भी देश ये कारनामा नहीं कर सका है। हाँ, ये बात सही है कि रूस और अमेरिका ने हाइपरसोनिक जेट पर भारी पैसा खर्च किया है और काफी आगे भी निकल चुके हैं, मगर चीनी मीडिया का दावा सही है तो उनका जेट इतनी गति से चल सकता है कि वो घंटे भर में धरती की 3 बार परिक्रमा कर सकता है। यहाँ पर आपको जानकारी देते चलें कि पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और चीनी सुपरसोनिक जेट की स्पीड लगभग 37,013 किलोमीटर। जानकारों की माने तो चीनी हाइपरसोनिक टेस्ट फैसिलिटी के लिए अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसमें सुरंग में हाइपरसोनिक कंडीशन बनाने के लिए चीनी वैज्ञानिक केमिकल विस्फोट की मदद लेते हैं। वहीं पश्चिमी देशों में इसके लिए मैकेनिकल कंप्रेस तकनीक का उपयोग होता है ताकि तेज गति से हवा का बहाव पैदा हो सके। साथ ही इस तकनीक में ईंधन किसी गैस स्टोव से 100 मिलियन गुना तेजी से चलता है। इससे शॉक वेव पैदा होती है जो विमान की गति में तेजी लाती है। लेकिन काफी लोगों का कहना है कि चीन काफी झूठ बोलता है और उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। देखना होगा कि चीन की बात कब सच साबित होती है।